तुम्हें चाल पता है ना दोस्तों, उन्हें लॉक और ब्लॉक करो। सब लोग अंदर जाओ और अपने स्लग्स की रक्षा करो। हे यहाँ ट्रेनी, सोने का वक्त हो गया। मॉम, जरूरी है क्या? स्लेटर और मुझे और खेलना है। तुम उसके साथ सुबह भी खेल सकती हो। अभी अंदर आ जाओ। अब हम सुबह मिलेंगे मेरे प्यारे दोस्त। और सुरक्षा कवच को ऑन करना मत भूलना। घबराओ मत दोस्तों, मैं बस ये भूल गई थी। सब एक महीने पहले शुरू हुआ। पहले बस इनका ये हाल था, पर अब हालत काफी बिगड़ रही है। और तुम्हारा हीलर स्लग मदद नहीं करता? अब हमारे पास नहीं है, इसीलिए मैंने तुम्हें बुलाया। सुना है तुम्हारे पास हीलर स्लग डॉक है? हाँ था। मुझे माफ कर दो। नहीं, उसे कुछ नहीं हुआ है, बस अब मुझसे दूर है। मुझे कहना पड़ेगा, जब ट्रिक्सी ने कहा तुम्हें मदद चाहिए, मुझे नहीं पता था ये सब देखूंगा। ऐसा लगता है जैसे किसी ने इनके अंदर की ताकत निकाल ली है। ये जरूर वो प्राणी ही होगा। प्राणी? द हाई प्लेन्स मॉन्स्टर। वो पूर्वजों में मशहूर था, पर किसी ने उसे देखा नहीं है। जिसने भी कवच तोड़ा उसको किसी ने देखा नहीं। पर मैंने देखा है, वो बड़ा है और डरावना भी, और उसके स्पाइडर की तरह बड़े बड़े पैर हैं। डरो मत ट्रिनी, फ्लटर ठीक हो जाएगा। क्या हम इन्हें लाइटवेल में ले जा सकते हैं? हाँ बिल्कुल, पर हम नहीं जानते इनकी ऐसी हालत कैसे हुई, और मुझे लगता है ऐसा फिर से भी हो सकता है। हम इसकी तह तक जाएंगे ब्रोडी, वादा करती हूँ। क्या आप हमें थोड़ी देर अकेला छोड़ेंगी? ठीक है, मैं स्लग्स की मदद के लिए तैयार हूँ, पर एक मॉन्स्टर ही लाए? मुझे नहीं पता, मैं एक इंजीनियर हूँ। मेरे दिमाग में जिसे मैं देख नहीं सकता या मार नहीं सकता, वो मेरे लिए है ही नहीं। तुम्हें क्या लगता है ट्रिक्सी, तुम्हें लगता है वो एक मॉन्स्टर है? मुझे लगता है ट्रिनी ने कुछ तो देखा है। और इन स्लग्स को देखो, ब्रोडी इतना बड़ा झूठ तो नहीं बोलेगी। अगर हमने इसका जल्दी पता नहीं लगाया तो लोग निराश हो जाएंगे। इलाई, ये सब नहीं चलता, ऐसा नहीं होने देंगे। प्लीज शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। यहाँ हो क्या रहा है? मुझे भी नहीं पता, मुझे इसके बारे में किसी ने बताया ही नहीं। यहाँ पे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ प्लीज। फैसला लिया जा चुका है। थैंक यू। अब हम सब जानते हैं कि हमारी जो स्थिति है वो कितनी नाजुक है, और इसीलिए हम सब ने मिलकर फैसला किया है कि हम तुम्हें इनाम देंगे 2000 सोने के कॉइन। क्या? हम उसे माला माल कर देंगे, उस स्लग स्लिंगर को जो हाई प्लेन मॉन्स्टर को पकड़ कर ले आएगा। पर हमें उसकी जरूरत नहीं है, मैंने शेन गैंग को बुलाया है। पता नहीं आप क्यों हैं। तो वो भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं, पर अभी के लिए ब्रोडी हमें जितनी मदद मिले उतना अच्छा है। ये ठीक नहीं लग रहा इलाई। तुम बिल्कुल सही समझी, इतना सारा पैसा, इतना ज्यादा लालच अच्छा नहीं, लोग जख्मी हो सकते हैं। माफ कीजिए स्टॉकर। मैं उस जानवर को पकड़ूंगा, पर उसके लिए तुम्हें मुझे 5000 सोने के सिक्के देने होंगे। दो नहीं, 5000 सिक्के, और मैं जो बोलता हूँ वो हमेशा डेफिनेटली करता हूँ। इतने ज्यादा पैसे,
हाँ, लेकिन देखो अगर तुम उसे पकड़ लोगे तो हम तुम्हें पैसा देंगे। फायर, आइस और पावर ट्रिपलेट्स, वो दोनों बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं ब्रोडी। उन्हें जानता हूँ, वो मुसीबत हैं, खासकर स्टॉको। पर क्या तुम कर सकते हो? तुम्हें क्या चाहिए शेन? देखो हमें आसानी होगी। तुम्हारा मतलब है कि हम पैसे आपस में बांट लें? हम ये पैसे के लिए नहीं कर रहे हैं। क्या नहीं कर रही? बिल्कुल नहीं कर रहे। इन लोगों को मदद चाहिए, वो नहीं चाहते उनका शहर बर्बाद हो जाए। क्या नहीं चाहते? बिल्कुल नहीं चाहते। क्या कर रहे हो, जरा सोचो तो। ये चीज खतरनाक हो सकती है। स्लग के लिए? क्या मैं तुम्हें स्लग दिखता हूँ? और मैं किसी के साथ काम नहीं करता। टेंशन मत लो दोस्त, हमें पहले उस प्राणी को ढूंढना होगा। ये देखो, ये एक मोशन डिटेक्टर मॉडिफिकेशन है। मोलोनॉइड के अलावा कोई भी चीज हमारे सामने आए तो ये चीज फास्फोरस स्लग की तरह जलेगी। बहुत अच्छे कॉर्ड, चलो आगे बढ़ते हैं। मैं एक जोक सुनाता हूँ। चींटी और हाथी लुपा छुपी खेल रहे थे। अजीब है। क्या दोस्तों? दोस्तों कम ऑन, मुझे लगा मैंने कुछ देखा, पर अब वो वाहन नहीं है। पिछली बार मैंने पुराना ब्लास्टर खरीदा था। भाइयों, अरे कहाँ हो? ये तो पावर ट्रिपलेट्स हैं, कम ऑन। दोस्तों शायद मैंने उन्हें ढूंढ लिया। लगता है जैसे इन्होंने खुद को यहाँ कैद करवा लिया। ये बिल्कुल स्लग्स की तरह है। बिल्कुल भी नहीं, ये चीज लोगों को मार रही है और मैं इसके लिए यहाँ नहीं आया। आवाज क्यों कर रहे हो, क्या बात है? बात ये है कि हम में से तीन लोग, जिसमें से एक लड़की थी, गायब हो गई है। ऐसा होता है जब हम एक साथ काम नहीं करते। और तो और, तुम्हारे वो जाल उनके बजाय हमें ही जाल में फंसा रहे हैं। हाय, मैं उल्टा लटका हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं खामोश। हे, ये तो मेरा ब्लास्टर है। ओह, रस्सी तो काटो। कॉर्ड, वो करीब आ रहा है, कोई तो आ रहा है, कुछ बहुत बड़ा। रस्सी काटो। अच्छा, वो कितना करीब है? बहुत करीब, रस्सी काटो। पर इसमें तो सिग्नल कई सारी जगहों से आ रहा है। मतलब वो एक से ज्यादा है जी। नहीं, नहीं 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 नहीं, ये कोई बात नहीं हुई। रुको 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 रुको, मुझे नए सिग्नल मिल रहे हैं। करीब 350 मीटर पर। वो पास है। 250 मीटर। सब लोग तैयार हो जाओ। 180 मीटर, वो बहुत तेज आ रहा है। ये क्या बात है, कहाँ है वो? मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। 90 मीटर, 40 मीटर। दोस्तों वो अब हमारे साथ है। पुराना सामान खरीदोगे तो ऐसा ही होगा। फायर, संभल कर। उस पर हमारे हमले का असर नहीं हो रहा, कोई आइडिया है? बस एक ही आइडिया है, भागो यहाँ से। चलो। भागो।
और तुम कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अलमर रोशनी फैलाओ। ट्रिक्सी दोस्तों, मेरा तजुर्बा कहता है कि ये अभी भी जिंदा है। ए, तुम शांत हो जाओ दोस्तों। तुम अब भी एक साथ काम करना नहीं चाहते? मेरे पीछे आओ। ये जिंदा है, बस मुझे नहीं पता। वो हम पर बोझ है, उसे वहीं छोड़ देना चाहिए था। सुनो दोस्त, हम ऐसा कभी नहीं करते। हमें अब खुद की चिंता करनी होगी। तुम गलत हो। अगर हम एक दूसरे का ख्याल नहीं रखेंगे तो हम नहीं बच सकते। हम फायर और ट्रिपलेट्स को बचाने का रास्ता ढूंढ लेंगे, मैं वादा करता हूँ। क्या तुम्हें सच में ये खाना नहीं चाहिए स्टॉको? जिंदा बचने के लिए मुझे बच्चों की जरूरत नहीं है। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। क्या समझ नहीं आया? ध्यान से सुनो दोस्त, मॉन्स्टर स्लग्स की ताकत चूसते हैं, फिर वो लोगों को चूसता है। ये एक महाजाल है, मुझे कुछ समझ नहीं आता। इसकी बात में दम है जी, यही बात मेरे दिमाग में भी कब से चल रही है। मैंने ऐसा सुना है कि स्लग्स और यहाँ के लोग एक ही तरह की ताकत शेयर करते हैं, जिसे तुम रोशनी कह सकते हो। लोग इसे कहते थे पहले जमाने का चमत्कार, इसी वजह से ये मॉन्स्टर सबकी ताकत चूस रहा है। ठीक है, तो हम उसे कैसे मारे? रोशनी से? क्या वो मॉन्स्टर रोशनी से डरता है? जंगल में मैंने उस पर फास्फोरस स्लग का हमला किया था, वो भाग गया, इसलिए वो सिर्फ रात में हमला करता है। हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहा है। ईलाय ने जब वो स्लग शॉट किया तो वो भागा। तो हमारे जिसमें आधी चार्जिंग बची है। पर मुझे नहीं लगता मियां की इससे बात बनेगी। वैसे ये शुरुआत है, आज रात हम शिफ्ट्स में जागेंगे और पहरेदारी करेंगे। हे, अब तुम्हारी बारी है। क्या तुम्हें कोई दिखा? इसका मतलब अब सिर्फ हम दोनों ही बचे हैं। हाँ, TuneNetworkIndia.co.in। तुमने मुझे बताना चाहिए था, मैं बस शूट ही करने वाला था। यहाँ कोई बहुत बड़ी गड़बड़ है ईलाय शेन। ओह, तो तुम्हें भी पता चल गया? रोशनी और परछाई को बराबर होना चाहिए, वरना कुछ गड़बड़ है। ठीक है, बताने के लिए शुक्रिया सच में, पर मुझे जरा काम है। तो तुम परछाई से लड़ रहे हो, अपने दुश्मन को देखते हो पर समझते नहीं। तो क्या तुम मदद कर सकते हो? हम किससे लड़ रहे हैं? हम तुम्हें पहले भी बता चुके हैं, दोनों दुनिया की दीवार कमजोर हो चुकी है। इस दुनिया के बहुत नीचे डार्क बेन और उनके राक्षस उभरने का इंतजार कर रहे हैं, स्लगटेरा को नष्ट करने का सोच रहे हैं। उनकी ताकत यहाँ कमजोर है, उन्हें बाधाओं से गुजरना पड़ता है, पर उन्हें फिर से उभरना आता है। इसलिए वो स्लग्स को कम कर रहे हैं। स्लग की असली ताकत सुरक्षा करना है, ये वो ताकत है जो उन्हें बिगाड़ सकती है। ये उनमें से पहला था। अच्छा हुआ मुझे बताया, अब चलो इस चीज को रोकते हैं। हाँ? अरे सुनो, कोई मुझे बचाओ ना। मैं कहा था खलियान को आग मत लगाओ। हमारा दुश्मन रोशनी से डरता है जी, तो आग से भी डरता ही होगा ना। अपना दिमाग मत लगाया करो। मियां लगता है कि मैं नहीं बचने वाला। ईलाय, तुम्हारे पीछे। बुरा हुआ दोस्त। नहीं,
यहाँ से निकलते हैं। मुझे वापस जाना होगा। जान बचेगी तो बाद में भी लड़ेंगे। तुम अपने दोस्तों को बचाना। कूदो। अब हमें भी नहीं छोड़ेगा। उसने हमारी महक सूंघ ली है। हमारी महक? मुझे पता है क्या करना है। इस बोट को ढकेलने में मेरी मदद करो। पानी के रास्ते से हम जल्दी शहर पहुंचेंगे। मुझे नहीं पता शेन, पर हम कभी शैडो क्लैन पर भरोसा नहीं करते। तुम कहते हो कि ये चीज डीप कार्बन से है, तो हमें प्लान बनाना होगा। उस स्लग से हमला करेंगे और सूरज निकलने तक उसे रोकेंगे। बढ़िया प्लान है। उम्मीद है हम ये कर सकेंगे। उसे हम पर बहुत भरोसा है, पूरे गांव को है। ये बात तुम्हारे दिमाग में कब घुसेगी? हम साथ नहीं हैं। अगर तुम चाहते हो तो इन स्लक्स के साथ यहाँ रहो। मैं उस चीज को मार कर रहूंगा। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम 5 सेकंड भी उससे अकेले नहीं लड़ सकते। मैं कभी हार नहीं मानता। उसने मेरे दोस्तों की ताकत छीन ली है। उन्हें हमारी मदद चाहिए, पूरे गाँव को चाहिए। तुम जिद पर अड़े रहना चाहते हो तो ठीक है, पर कभी कभी जिद्दी लोगों को भी मदद की जरूरत पड़ती है। उसे आने दो। और करीब आने दो। हमला! हमला करो! क्या तुम ठीक हो? हार मान लो इलाय, ये बेकार है। तुम उससे लड़ नहीं सकते जिसे छू नहीं सकते। मेरे पास एक आइडिया है। हम उसे वो ही देंगे जो वो चाहता है। हे! आओ मुझे पकड़ो मॉन्स्टर। बिल्कुल सही, इस तरफ। तुम्हें मुझ पर यकीन करना होगा दोस्तों। चूक गए, फिर से कोशिश करो। वो क्या कर रहा है? ठीक है, बहुत अच्छे। अब तुम और मैं शैतान, चलो लड़े। वो आग से डरता है और रोशनी से भी, तो क्यों ना हम उसे दोनों दे दें? ठीक है बोपी, कमाल दिखाने के लिए तैयार हो जाओ। उम्मीद है ये काम करेगा। लगता है राधा को खाना छोड़ना पड़ेगा जी, उससे मुझे बहुत जोर की नींद आ जाती ना। शहर फिर से पहले
पहले जैसा हो जाए। स्टॉकर को क्या हुआ? मुझे नहीं पता, वो तो सुबह होने से पहले ही निकल गया, वो भी बिना अपना इनाम लिए। मुझे लगता है शायद वो ये नहीं जानना चाहता था कि उसने लोगों के लिए वाकई कुछ अच्छा काम किया। तुमने बेहतरीन काम किया इलाई। हाँ शायद। तुम्हें किस बात की चिंता है? शैडो क्लैन ने मुझसे कुछ कहा था। ये तो सिर्फ शुरुआत है, स्लगटेरा की ताकत कमजोर हो रही है, हमें खुद से ये सवाल करना होगा अगला कौन है।